मिड जोन में बोल रहा हूँ, शॉट लगाए और फुटबॉल एफसी चांडिल को फील्ड पेनल्टी का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने फील्ड पेनल्टी को गंवाए थे। और आप आरएस स्टैंडर्ड पोर्टल की टीम क्या करवाते हैं इंडी स्पोर्ट टिकटों के विरुद्ध? बहुत ही अच्छी स्कोर यहाँ पर आर एक्स हंड्रेड पोर्ट का टीम के द्वारा, शानदार गोल दागने में कामयाब हो चुकी है। जी जहाँ तक बात करें आर एक्स हंड्रेड पोर्ट का टीम में गोल्डन सदर गोलकीपर है वीरेंद्र सदर का जिसमें 3, मनोज सदर का जिसमें 4। ही आप लोग कमेटी मसला के कम से कम टीम का आप लोग उपस्थिति अब देखेंगे। चलो मैदान के उत्तरी साइड में आरएक्स 100 पोर्ट का टीम की खिलाड़ी जो हमारे पोर्ट का प्रखंड के बहुत ही चर्चित टीम के रूप में जान जाते हैं, काफी सारे लग टिकट टूर्नामेंट को खेल चुके हैं। और मैदान के दक्षिणी साइड में पेरोट कलर के जैसे में टुडे मैच के लिए एक सशक्त टीम के रूप में जाने जाते हैं। माठेर उत्तर प्रांत आरएक्स 100 पोर्ट का टीम की खिलाड़ी और दक्षिण प्रांत इंजो स्पोर्टिंग केड़ो शासन से जैसे थे टटेना उत्तर नखा पटार बेल मंचना लगाते पटारे तो नुकुद कोहीगना इंजो स्पोर्टिंग केड़ो पोडियर उत्तर दिग्रे आर एक्स हंड्रेड रिपोर्ट का और दक्षिण पोडियर इंजन स्पोर्टिंग केड़ो पर आर एक्स हंड्रेड पोर्ट का टीम के लिए जमीनी शॉट बेकार सा शॉट, जहां तक बात की जाए सही इंगल को तलाशने में नाकाम रहे। आर एक्स हंड्रेड पोर्ट का टीम के कुछ कुछ खिलाड़ी बीते कल अलग अलग टीम से खेले, जिस चलते आज कुछ नए नए खिलाड़ी को टीम में शामिल किए टीम के मैनेजर ने। आर एक्स हंड्रेड बोर्ड का टीम में खिलाड़ी का नाम इस प्रकार है जिले बहुत ही बड़ी संकट यहाँ पर, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे रेफरी के साथ बहसबाजी नहीं करेंगे, रेफरी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, अन्यथा आपके लिए दिक्कत होगा। बस बस ठीक है सर, चलिए इस बीच यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर बैठे जो खतरा हो सकता है जिस स्पोर्टिंग केड़ो टीम के लिए। शायद यहाँ पर चलिए खेले खेल प्लेटिंग पहली बार हो रहा फुटबॉल में, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं। फुटबॉल में अगर आप गलत तरीका को आजमाएंगे पीले कार्ड रेड कार्ड का सामना जरूर करना पड़ता खिलाड़ी हो या गोलकीपर हो। तो मेडिकल जहां तक बात की सेफरल के मुकाबला में जयमा कांतालिया के विरुद्ध जूनियर फुटबॉल एफसी चांडिल को फील्ड पेनल्टी का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने फील्ड पेनल्टी को गंवाए थे। और आप आर एस स्टैंडर्ड पोर्टल की टीम क्या करवाते हैं इंजी स्पोर्ट टिकटों के विरुद्ध? बहुत ही अच्छी स्कोर यहाँ पर आर एक्स हंड्रेड पोर्ट का टीम के द्वारा, शानदार गोल दागने में कामयाब हो चुकी है। जी जहां तक बात करें आर एक्स हंड्रेड पोर्ट का टीम में गोल्डन सदर गोलकीपर है वीरेंद्र सदर का जिसमें 3, मनोज सदर का जिसमें 4, साहिल सदर का जिसमें 13, महेश्वर सदर का जिसमें 9, कार्तिक सदर का जिसमें 6,
পবরাম সদর জেসমার বারবার টিমে করণ সদর জেসমার সাত কাপ্তান রমেশ সদর জেসমার দশ বার টিমে বনাম সদর জেসে নামজিদ খাড়ি টিম কে সাথ জুট চুকে ইন জেস বোলিং করো টিম কে লিয়ে জহাঁ তক বাত কিজিয়ে গোলকিপার নীতিশ সামাদ গোল পোস্ট পর মৌজুদ হে টিম মে বাবলু ভূমিষ্ক জেসমার তিন জগ্গু লোহার জেসমার পাঁচ বার রোহিত কজেসমর তেরা হে টিম মে সূরজ দশ নম্বর জেসমে সঞ্জু জেসে স্টার খেলে টিম কে সাথ জুড় চুকে হ্যাঁ धीरे 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 फिर से बॉल को स्पॉटिंग खेड़ों के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ लाजवाब शॉट पर आ रहा है रिपोर्ट कटिंग के खाने के द्वारा जैसे धक्का डिफेंडर मौजूद है लगे बाबूलाल इस मैच में फॉरवर्ड पंक्ति का भूमिका को अदा करें रोहित सोरेन मौजूद है जो कलाकारी खेल के लिए जान जाते हैं जो किसी भी क्षण मैच का पसा को पलट सकते हैं वहीं के बाद आरक्षण रिपोर्ट कटिंग में रमेश सरदार जी हाँ ये रमेश सरदार जहाँ भी ज्यादा छा जाते हैं देखने के बाद उनका तैयारी कैसे है थोड़ा सा बॉल को होल्ड करके डालने का प्रयास और सुविधा थ्रो इनका मौका केड़ो के पक्ष में तीन नंबर के खिलाड़ी हट्टे कट्टे खिलाड़ी बॉल को पीछे ले जाना चाह रहे हैं हील के जरिए बॉल को डालना चाह लेकिन बॉल आउट हो चुकी है बहुत ही शानदार शॉट और यहाँ पर बलराम के लिए बहुत शॉटिंग लगाने में नाकाम और धीरे धीरे सौरे बाबूलाल भूमिज ग्यारह नंबर के खिलाड़ी वीरेंद्र छीनने का प्रयास करता हुआ लेकिन फाउल हो चुकी है विजय साहू दस नंबर के खिलाड़ी दूर से शॉट लगा लेकिन काफी खराब शॉट शुरुआती दो খারাপ লাগে এত তবে খারাপ লাগে এত রেগে আগলাম কল খেলে গেলি अच्छी हिल के जरिए बॉल को डालने का प्रयास था पर इंजन स्पोर्टिंग करो इंजन स्पोर्टिंग करो टीम का जो भी टीम गोल खा रहे वापसी करना काफी दिक्कत बन रहा हमारे टूर्नामेंट में और जरिए से भी जबर मैदान तक की घोषणा हमारे रेफरी धनंजय कलंदी के द्वारा और मैदान तक तो एक गोल से आगे है आरक्षण रेपुर का टीम के खिलाड़ी गोल मारे और वापसी करना चाहे पर केड़ो और दोनों टीम का यही चाहत है कि बचे हुए समय में दर्शकों को रोमांचक खेल देखने को मिलेगा फिलहाल बत्रो इनका मौका आरक्षण पोटका के पक्ष में शॉट पर धीरेन्द्र के द्वारा जीतेल लोहार का क्रॉस बॉल जिला पर रोहित सोरेन अच्छी पास पर चौदह नंबर के लिए अभी भी यहां पर केड़ो मौके की तलाश में थे
पास के जरिया पर जितेन के बॉल को डाला बबलाल, अच्छी बॉल डाल पर रोहित के लिए, भी रोहित के कदमों पर पटी छटी करना चाहा लेकिन इतना आसान नहीं हुआ। हार्दिक गोल का बढ़ाने का प्रयास किए, फिर से बतौर नंबर केड़ो टीम की खाड़ी, अच्छी तालमेल भरी खेल को अब तक दर्शाया दोनों टीम के खिलाड़ियों ने। अच्छे पास रमेश के द्वारा सूरज, सात नंबर के खड़े सूरज बोल को आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन कमजोर शॉट रितेश को इस तरह का कमजोर किक लगाकर गोल लगना आसान नहीं होगा। फिर से रोहित, अभी रोहित के कदम बोल फ्लैंक को चेंज करना चाह रहे थे लेकिन सही तरीके से बोल को आगे बढ़ा नहीं पाए। के लिए मौका लेकिन यार में बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, सही तरीके से बॉल को नियंत्रण रख पाते हैं तो थे आखुश रहे खिलाड़ियों से, जिस कुमार से उन्होंने कार्य किया था खेल के दौरान, और एक अच्छा खेल यहां पर चलता हुआ अलेक्सेंडर और केड़ो के बीच में, केड़ो की टीम पूरी तरह से संघर्ष कर रही है, इस खेल में बन रहे का प्रयास कर रहे लेकिन असफल रहे, असमर्थ रह रहे। अभी भी केड़ो की टीम पूरी तरह से संयम अभी तक खेल के दौरान व्रत नहीं पाया, जिस प्रकार से खेल हो रहा है एक गोल से आगे अलेक्सेंडर की टीम पकड़ बनाए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर, जो हमारे बीच मशहूर साथी कमेंटेटर, आज मुझे मौका मिला, बहुत खुशी की बात है ये है कि मुझे उनके साथ कमेंटेटर करने का मौका मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी कमेंटेटर का। भोपना जी जी जहाँ तक सुमित जी बात की, यहाँ पर फिर से अलेक्सेंडर पोर्ट का कार्तिक के साथ सारे के गोल को डाले, मौका बन सकता है लेकिन कमाल का बचाव कर रहे रितेश समाद, फुटबॉल की दुनिया में नागिन के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छे बॉल है पर इंजिस फोटी के कड़ो मौके की तलाश में, बबलाल यहाँ पर कटिंग छंडे कर प्रयास करे, सफल भी रहे साहू, अभी हटे कटे खिलाड़ी साहू के कब्जे बॉल, अच्छी जमीन पास यहाँ पर टीम के कप्तान हेमराम ने बॉल को पीछे धकेल दिए, फिर से साहू, अभी संजय, संजय ने बॉल को पीछे धकेले शूटिंग के लिए लेकिन अजय साहू का लाफ्टर बॉल जो खतरा बन सकता है कोर्ट का टीम के लिए, लेकर कमाल का बचाव गोल के लिए बहुत अच्छा मौका है इंजियन स्पोर्टिंग केड़ो के पास, अच्छी लॉफ्टेड शॉट लेकिन लड़ित बॉल सिंगर के सभा। चलिए जेसीएमसी सिंगर साइड टीम के खिलाड़ी हमारे फोर्थ ऑफिसियल जोन में पहुंच चुके हैं, धन्यवाद देना चाहूंगा टीम के कप्तान को, इंतजार है पासो इलेवन चक चक फुटबॉल टीम का, गोलकीपर काफी आगे निकल चुका था लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाया अलेक्सेंडर पोटका टीम के खिलाड़ी, पोटका ने एक गोल जरूर मारे लेकिन अब तक तीन अच्छे अच्छे मोमेंट को बेकार चुके हैं, कमा चुके हैं। हम रॉन्ग बॉल को आगे डालने का प्रयास किया लेकिन बाबूलाल ने जस्ट फॉलिंग करो टीम के खिलाड़ी रोहित सोरेन, जग्गू लोहार के लिए बॉल को डाला और जग्गू लोहार काफी आगे बॉल को डाले उसके बावजूद अपन तीन नंबर हटे कटे खिलाड़ी बॉल को कंट्रोल तो किए थे लेकिन बॉल छीना गए, राम सदा गति भरी खेल के लिए जान जाते हैं। अभी बलराम बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ, समय काफी लिए अच्छी नबे कमाया होता हुआ इंजे स्पोर्टिंग करो टीम की खाड़ी, खेल का लगभग अंतिम पड़ाव और समय आए हैं कि अब जिस समय में करो
वापसी कर पाएंगे देखने वाली बात है। फिर से अगर आठ नंबर आरक्षण रिपोर्ट का मौके की तलाश में अभी भी बोर्ड का टीम के कब्जा बोल लो अच्छे तालमेल मिड जोन में बोल रहा हूं और शोर लगाए और फिर से पर एक सादर गुलनगर में कामयाब होता हुआ बलराम सरदार बलराम की अगर बात करें नारो क्षेत्र के लवाड़ी के टूर्नामेंट में भी सबसे ज्यादा गोल मारे थे हाई स्कोर फिर में आकर्षक इनाम से भी इनको नाम दिया गया और हमारे इस मैदान में भी एक सुंदर गोल दिए तो 2-0 से आगे खेलेंगे आरक्षण पोर्ट का टीम की खिलाड़ी। तो आशु जी जिस अंदाज में पर पोर्ट का शुरुआती दौर में गोल मारे वहां से दबाव बढ़ता गया इंडियन स्पोर्टिंग टीम के लिए और वापसी करना अब थोड़ा सा दिक्कत रहेगा केलो टीम के लिए क्योंकि समय बहुत ही कम है। क्या करना चाहेंगे श्री अर्चण में एक गोल से क्योंकि सेकंड हाफ में दूसरी गोल बढ़त ले चुके आ रहे टीम तो दो गोल के साथ इस मैच